हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आलू का पराठा बनाएंगे। तो आलू हम बॉयल कर लिए हैं, देखिए इसको थाली में हम पलट लिए हैं। आलू ठंडा हो रहा है इस तरीके से। आलू ठंडा हो जाए तो हम इसको भूंजेंगे अच्छी तरीके से। इधर हम धनिया लिए हैं ढेर सारी हरी, देख लीजिए, और लहसुन 3 हरी मिर्च, अदरक 1 इंच, 1 चम्मच हम जीरा भूज लिए हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम पीस लेते हैं। हम पैन रख दिए हैं, गरम हो रहा है। इसमें हम सरसों का ऑयल डाल रहे हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच जीरा ऐड कर रहे हैं। जीरा देखिए ब्राउन हो रहा है। आलू इस तरह हम बड़ी बड़ी पीस में कट कर लिए हैं। इसको हम डाल दे रहे हैं फ्राई होने के लिए। ये आलू देखिए हम पूरा इसमें डाल दिए हैं। इसको हल्का सा हम चला दे रहे हैं, इस तरीके से हम दबा दबा चला रहे हैं ताकि आलू अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच हम लेंगे दरबरा कुटा हुआ लाल मिर्च। इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम इसमें देखिए मिला दे रहे हैं आलू में। इसको हम लोग गैस पे अच्छी तरीके से भूज रहे हैं आलू। इस तरह करछी से हम दबा दबा मिला। इसमें जो धनिया और लहसुन अदरक हम पीसे हुए हैं उसको डाल दिए हैं। देखिए इसको भी अच्छी तरीके से इसका बाद में हम डालते हैं ताकि हरा हरा खिला खिला रहे ये, और इसका स्वाद भी बरकरार रहे धनिया और लहसुन का, तो इसलिए हम इसको बाद में ऐड करते हैं। इस तरह देखिए आलू इस तरह मिज गई है। अब इसमें ऊपर से हरा धनिया हम हल्का सा लगा दे रहे हैं। इसको हम थाली में पलट लिए हैं, तो ये हमारा ठंडा हो रहा है। तब तक हम आटा लगा लेते हैं। देखिए इधर ये ठंडा हो गया है और आटा हमने ये लगा के रख लिए। तो आटा में हमने हल्का सा नमक डाला था और कुछ नहीं, सादे पानी से, हम नॉर्मल पानी से इसको लगाए थे। ये देखिए आटा हमारा एकदम मुलायम है। इस तरह हम बड़ी बड़ी लोई लिए हैं और चम्मच से हम रख रहे हैं आलू को। इस तरह हम दबा के इसको फोल्ड कर लेंगे। देखिए लोई हमारी बन के तैयार हो गई। इसको आटा लगा के सूखा इस तरह हम बड़ी कर लिए हैं। अब इसको हम हल्के बेलन से ये बेल रहे हैं। देखिए बिल्कुल फट नहीं रहा है, बहुत आसान तरीके से बन गया है। ये देखिए अब हम इसको पलट दे रहे हैं। इसमें हम दोनों तरफ ऑयल लगा ले रहे हैं अच्छी तरीके से। देखिए पलट के इस तरफ भी लगा रहे हैं ऑयल। ये देखिए फूला फूला बन के आलू का पराठा हमारा रेडी हो रहा है, खिले खिले, और हम इसको रख दे रहे हैं। इसी तरीके से हम और बना ले रहे हैं। इसी तरीके से हम सभी पराठा तैयार कर ले रहे हैं। ये देखिए हमारे पराठा कितने फूल आए हैं। इस तरह से हमारी सभी पराठे बनके रेडी हो रहे हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस तरह बना है किस तरह नहीं। अगर हमारा तरीका पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सभी भाई बहनों को नमस्कार और धन्यवाद। यार बोला।